तेरा बन जाए। अरे वो सब ठीक है, हम समझ, ये सब छोड़ो ना बात यार, पहले हमका ये बताओ यार, 21 साल मतलब ऐसा क्या हो गया कि यार तुम मतलब कभी ना बोलने की कसम खाई ली? अब वो सब भूल जाए। अरे ऐसे कैसे भूल जाए यार, अरे हमरी दादी यार, हमरी दादी, अब हमको हमको जानना है ना कि काहे हमरी दादी इतने साल नहीं बोली, हम काहे मतलब उनकी आवाज नहीं सुनी, बताओ हमका, तो बताओ, हमरा गुस्सा जानती हो तुम, बताओ क्या बात है? अब का बताएं, हमारे जो ससुर थे और पति और तुम्हारे पिता सज्जन, तीनों बस एक ही ढर्रे पे चलते थे, गुंडई, बदमाशी, औरतों की नाकदरी, औरत को तो एकदम हाड़ मांस का इंसान ना समझ के मिट्टी का पुतला समझते थे, बहुत बेइज्जती किया करते थे, अगर औरत विरोध करे तो बस उसका विरोध गूंज के बंद कर देते थे, और फिर बाद में तुम्हारे पिताजी भी वही रास्ते पर चल पड़े और तुम लोगों को, शक्तिया को और तुमको स्कूल भेजने के बजाय गुंडई सिखाने लगे, दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए और तुम लोग उनकी किताब फाड़ देते थे, उनका बस्ता चुरा के फेंक देते थे, और कोई तुम्हारे पिता शिकायत करे तो ये और उल्टा हंसते थे, तुम लोग को बढ़ावा देते थे, खिलौना की जगह बंदूक पकड़ा देते थे, बस लड़ो झगड़ो, गाली गलौज करो, मार कुटाई करो, हम कितना समझाते रहे कि सज्जन बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजो, पढ़ाओ लिखाओ, कहाँ सुने, कोई सुने वाला नहीं, ये सबसे हम दुखी होके बस चुप्पी साध लिया और तब से लेके अब तक बस चुप बैठे। अरे ठीक है, ठीक है, समझ गए हम, समझ गए तुम्हारी बात, मगर बाबा तुम एक अच्छे इंसान हो, अपने भाई और बाप की तरह नहीं बने, एक अच्छे पति हो जो अपनी पत्नी को प्रेम करते हो, और जानते हो तुमको इंसान किसने बनाया? ये प्रतिज्ञा ने, प्रतिज्ञा के प्रेम ने। मतलब ये का बात है, मतलब प्रतिज्ञा का गुणगान किया तो हमरा कुछ नहीं है, मतलब हम कुछ नहीं किए। एक बात तो है बाबा, तुम वैसे नहीं बने, अगर तुम ऐसे बने होते तो तुम्हारे बाबूजी की तरह तुम्हारे बड़ी बड़ी दाढ़ी और चिल्ल फो कर रहे होते। क्या है, हम जो ना सब समझ गए, ये जो प्रतिज्ञा तुमका पटाए ली। अरे हम जानते हैं ना यार, इन्हीं तो इके पक्ष में बोली जा रही तुम, और देखो इका देखो है? कितना मतलब आनंद ले रही अपनी तारीफ सुनने में, तुम पूरा दिन लगाए तो नहीं उठेगी यहाँ से, बस तारीफ सुनाई दो इका है। बाकी ये बात है कि मतलब जोन बात सच है उनका मानने में क्या बुरा है, हाँ, और ये बात तो सच है कि हमरे ऊपर जो है हमारी बीवी का काफी असर है। सर लो, अच्छे से खाना खाओ, खाने पे ध्यान दोगी ना तो जल्दी से अच्छी हो जाओगी। हाँ सासू अम्मा ना एकदम सही कह रही, तुमको ना बहुत जल्दी ठीक होना, ऐसे कि तुमको यहाँ से जाना भी तो है ना, अगर तुम जल्दी ठीक नहीं होगी तो हमारा ससुराल हमारे बाबूजी के प्रकोप से ना बच नहीं पाएगा। दीदी आप पीछे ना ये खाइए। क्या बात है दीदी? दीदी
ठीक तो है ना? बेसर दीदी, अरे ये क्या हुआ केसर भौजाई को? कहीं केसर भौजाई माँ तो नहीं बनने वाली? पिक्चर में तो ऐसा ही होता है कि पहले उल्टी होती है, फिर डॉक्टर आके कहता है कि तुम माँ बनने वाली है ना? ठकुराइन, तोरे चेहरा पे हमेशा चौदह काय बजा रहता रे? है हमेशा चौदह नहीं बजेगा तो का होगा? हवेली में इतना बड़ा ड्रामा जो चल रहा है खेला, कि हवेली की मर्यादा ना दांव पे लगी है। हवेली की मर्यादा नहीं, मर्यादी दांव पे लगी है। एक तो बात पूछो ना तो दस ठोक के बताएगी। सोझे का नहीं बोलती, का कहना चाहती है, जलेबी काट रही है, बोल ना का बुझौलिया बुझारे मार देगा भाई, चिथड़ा उठ जाएगा, बोल बोल। अरे प्रतिगवा, ये प्रतिगवा सबको अपने जाल में फंसा ली है। का कर रहे हैं? और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि का हो रहा है उसके साथ, सब उसके आगे पीछे लट्टू बन के घूम रहे हैं। पहले पहले हमरे बाबा को, हमरे बाबा को प्रेम का जहर पिला के अपने बस में कर, और उसके बाद हमारी गौ जैसी बहुरिया सक्तिया बहू को इतना चढ़ाई भड़काई, सक्तिया के खिलाफ इतना पाठ पढ़ाई कि हमरे सक्तिया को जेल भेजवा दी। और अब अम्मा अम्मा को अपने बस में कर ली है। अरे सही कह रहे हैं, ये प्रतिगवा एक दिन घर जमीन जायदाद परिवार सब पे कब्जा करके बैठ जाएगी। अरे पूरी हवेली को निकल जाएगी ऐसी कालग्रही औरत का नाम है प्रतिगवा, और डकार तक नहीं लेगी निकलने के बाद। अपन दिमाग शांत रखा करो, तुम हमरो मिजाज जानती हो। ये किसना बाव अपने पैर के अंगूठा से पूरे परिवार को दबाए के रखना चाहती, जौन मन में आ रहा है कर रही है, सब अपनी मर्जी से कर रही है। मन अब हम भी ऐसे ही चाल खेलते हैं। अब हम ममफोड़गंज वाले प्रोफेसर के परिवार को अपने पैर के अंगूठे के नीचे दाबेंगे। दो चार दिन में दवाई का स्वाद चीखने को मिलेगा। रुक तो जाओ, दो चार दिन बस देखो, अब हम प्रोफेसर के घर में बताऊंगे। प्रतिज्ञा बन जाए। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।